नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने स्वीकारा सरकार से बातचीत का प्रस्ताव, 29 दिसंबर को होगी अगली बैठक। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 31वें दिन किसान यूनियनों ने सरकार का बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह फैसला 40 किसान संगठनों की बैठक के बाद लिया गया। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने बताया कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। इस बात की सूचना देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत सरकार के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को चिट्ठी लिखी गई है। 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 24 दिसंबर को भारत सरकार के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की तरफ से लिखे गए पत्र का जवाब दिया गया। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लॉन्च की आयुष्मान भारत योजना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त इलाज का बड़ा तोहफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च करने के बाद कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर का प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। हम देखते हैं कि परिवार के किसी एक सदस्य को अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह परिवार गरीबी के चक्कर में फंस जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि आप देश भर के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में भी इसका इलाज करवा सकते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वहां ये स्कीम लागू नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेठी को करोड़ों की सौगात, कांग्रेस को स्मृति ईरानी की चेतावनी, कहा 2024 में रायबरेली की सीट भी होगी खाली। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में कांग्रेस पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों तक कांग्रेस के सांसदों ने पैसा नहीं पहुंचने दिया। यदि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया तो 2024 में हम रायबरेली भी ले लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगा अंकुश, पारदर्शी व्यवस्था बनाने में जुटी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, इस बच्चों को स्कूल बैग के बोझ से मुक्ति दिलाने के बाद केंद्र सरकार का ध्यान अब शैक्षणिक संस्थानों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस से अभिभावकों को राहत दिलाने पर है। इसको लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि नए शैक्षणिक सत्र तक स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए वह एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर देगी जिससे मनमानी फीस पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। मनमानी फीस पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एक मजबूत और पारदर्शी तंत्र बनाने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाने में जुटा है जिससे फीस का विवाद सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र के बेहतर शैक्षणिक संस्थानों को इससे कोई नुकसान भी न हो। यही वजह है कि इस पूरी व्यवस्था को संस्थानों की ग्रेडिंग से जोड़ा जाएगा, यानी जो शैक्षणिक संस्थान गुणवत्ता के आधार पर जिस ग्रेड का होगा वह एक निर्धारित दायरे तक ही अपनी फीस रख सकेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गौतम गंभीर की जन रसोई के सामने खाने के लिए लोगों की भारी भीड़, सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा है भरपेट खाना। जी हां दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व दिल्ली सीट से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई जन रसोई का आज तीसरा दिन है। यहां जन रसोई के सामने खाना खाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा है। यहां लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मात्र 1 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाया जा रहा है।
आपको बता दें कि गौतम गंभीर फाउंडेशन के वॉलंटियर पहले दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच लोगों को खाने का टोकन बांटते हैं, फिर 50-50 की संख्या में लोग जन रसोई के अंदर जाकर खाना खाते हैं। जन रसोई में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बिजली का ज्यादा बिल आने पर भी बढ़ सकती है मुश्किल, आईटीआर भरते समय ध्यान रखें यह नियम। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स कानून के मुताबिक चैप्टर 6A के तहत सभी निवेश और खर्चों पर मिलने वाली सभी तरह की छूट से पहले अगर आपकी कुल कमाई बेसिक छूट की सीमा से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना अनिवार्य है। इस छूट में मुख्य रूप से सेक्शन 80C, 80CCD, 80D, 80TTA, 80TTB की छूट शामिल है। इन डिडक्शन में आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम आते हैं। ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस अकाउंट, बैंक से ब्याज, ट्यूशन फीस, होम लोन रिपेमेंट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल भरते हैं तो आपको आईटीआर भरना जरूरी होगा। यहाँ देन देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि बिजली का कनेक्शन आपके नाम पर ही हो, अगर आप किराए पर रहते हैं तो भी आईटीआर में यह दिखाना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एस्ट्राजेनिका ने तैयार की ऐसी नई एंटीबॉडीज, 1 साल तक नहीं होने देगी कोरोना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब दवा कंपनी एस्ट्राजेनिका ने बड़ी सफलता पाई है। एस्ट्राजेनिका ने एक ऐसी एंटीबॉडी तैयार की है जो कोरोना संक्रमित लोगों को गंभीर बीमार होने से बचा सकती है। ये एंटीबॉडीज उन लोगों के लिए बेहद लाभदायक होगी जिन्हें किन्हीं वजहों से वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई एंटीबॉडीज का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। अपने आप में इस तरह का यह पहला ट्रायल है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी शुरुआत में उन 10 लोगों को यह एंटीबॉडीज दी गई हैं जो बीते 8 दिनों के अंदर किसी न किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। नई एंटीबॉडीज का ट्रायल ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है। इस ट्रायल में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या 2 तरह की एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करने पर कोरोना से अधिक सुरक्षा मिल सकती है। दावा किया जा रहा है कि यह एंटीबॉडीज बहुत जल्दी कोरोना वायरस को खत्म कर देगी और इससे व्यक्ति 1 साल तक कोरोना से सुरक्षित रह सकता है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हार का ले रहे हैं बदला, बेरोजगारों से जुड़े राहत बिल पर नहीं किए हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते हुए क्रिसमस मनाया। आर्थिक समस्याओं से घिरे अमेरिकियों के लिए कोविड राहत और सरकारी फंडिंग बिल को अधर में छोड़कर वे पाम बीच पर छुट्टियां मनाने जा पहुंचे। इसके कारण लाखों अमेरिकियों को राहत चेक नहीं मिलेगा और अगर ऐसा हुआ तो कोरोना महामारी के बीच लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम का विवरण साझा करने से मना कर दिया, जबकि उन्हें दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ शुक्रवार को गोल्फ खेलते हुए लोगों ने देखा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 2030 में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत, जापान सहित इन देशों को देगा मात। जी हां दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के चलते 5वें स्थान से खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई थी, वो आने वाले 10 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। एक ब्रिटिश थिंक टैंक ने यह बात कही है। ग्लोबल थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 तक भारत ब्रिटेन से पीछे रहेगा और 2025 में यह उसे पीछे छोड़ देगा। 2035 तक भारत का ग्रोथ रेट घटकर 5.8% पर पहुंच जाएगा। 2027 में भारत की इकोनॉमी जर्मनी को पीछे छोड़ चौथी और 2030 में जापान को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। CEBR का मानना है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9% की जबरदस्त तेजी देखी जाएगी और उसके अगले वित्त वर्ष में यह 7% की दर से विकास करेगी। पड़ोसी देश चीन को कोरोना के कारण वरदान मिला है और यह देश विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। अमेरिकी इकोनॉमी अब भी संघर्ष कर रही है। 2022 से 2024 के बीच देश की आर्थिक रफ्तार 1.9% रहने का अनुमान है। इसके बाद यह 1.6% की रफ्तार बढ़ेगी। यही वजह है कि चीन अनुमान से 5 साल पहले ही अमेरिका से आगे निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बेटियों की शादी के लिए सरकार देती है 51,000 रुपए की मदद।
देखिए कैसे उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए कई योजना चलाई जाती है। इन्हीं में एक योजना है उत्तर प्रदेश की ओर से चलाई जा रही शादी अनुदान योजना। इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपए की मदद दी जाती है। इस योजना का आवेदन तब किया जा सकता है जब लड़की की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो। जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को शामिल किया जाएगा। और इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 56,800 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा, साथ ही जिस दंपत्ति की शादी हो रही है उसका आयु प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता भी होना चाहिए, क्योंकि अनुदान की राशि सीधे बैंक में ही ट्रांसफर होती है। आवेदन केवल शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों उत्तर भारत में शीतलहर के बीच IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के कई इलाकों में इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सर्द रातों के बीच लोगों को अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत में भी और भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। ठंड के दौरान घर के अंदर या नए साल के जश्न में शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। IMD के विशेषज्ञों ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 28 दिसंबर से गंभीर शीतलहर चलने वाली है। IMD ने कहा है कि पश्चिम हिमालय से आने वाली हवाओं के चलने से ठंडी और शुष्क और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने के बाद उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। श्रीवास्तव ने कहा है कि 28 से 29 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग इलाकों में शीतलहर और बढ़ने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 19वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83.71 रुपए और 1 लीटर डीजल का दाम 73.87 रुपए अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। इस हफ्ते सस्ता हो गया सोना, चांदी की कीमतों में भी आई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को 5 फरवरी 2021 वायदा के सोने का भाव IMCX एक्सचेंज पर 76 रुपए की गिरावट के साथ 50,073 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके अलावा 5 अप्रैल 2021 के सोने की वायदा कीमत हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को MCX पर 19 रुपए की गिरावट के साथ 50,129 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। गौरतलब है कि शुक्रवार को क्रिसमस होने के कारण सराफा बाजार बंद रहे। वहीं इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को 5 मार्च 2021 वायदा की चांदी की कीमत MCX पर 67 रुपए की गिरावट के साथ 67,509 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस चांदी का भाव इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 21 दिसंबर को MCX पर 68,958 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला था। इसे पिछले सत्र में यह 67,907 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह इस चांदी के भाव में इस हफ्ते 398 रुपए किलोग्राम की गिरावट आई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।